हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSCN बैंक पे। और दोस्तों, CET की एक बड़ी अपडेट है। बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को, हाथ से निकल रही थी नौकरी, बिल्कुल हाथ से निकल रही थी CET रजिस्ट्रेशन में नहीं डिप्लोमा भरने का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये मैटर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये सारा का सारा मैटर क्या है डिप्लोमा का, अब हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने CET के फॉर्म भरे थे तो इसमें क्या था कि जी हमने जो अपना डिप्लोमा कर रखा था वो डाल दिया। लेकिन अब जब हम CET मेंस का फॉर्म अप्लाई करते हैं तब वो डिप्लोमा हम उस लिस्ट में नहीं है। अगर वो डिप्लोमा उस लिस्ट में नहीं है तो हम डिप्लोमा का जो ऑप्शन है वो कंपलसरी और भर नहीं सकते और हमारा फॉर्म आगे नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब उस डिप्लोमा की वैकेंसी नहीं है तो भी आप ना ग्रेजुएशन की वैकेंसी अप्लाई कर पा रहे हो, ना प्लस टू लेवल की अप्लाई कर पा रहे हो। ये सिचुएशन आई हुई है, उस डिप्लोमा की वैकेंसी है नहीं और प्लस टू ग्रेजुएशन की आप अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि डिप्लोमा उस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। और अब क्या कहा है देखो, ध्यान से देखते हैं। जो डिप्लोमा भरा गया था, देखो ये पूरा पूरा जो मैटर है जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया सीधे शब्दों में कि ये मैटर क्या था। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, HSSC से चेयरमैन गोपाल खत्री ने कहा है दिक्कत 2-3 में ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ये डेट है, डेट भी आगे बढ़ सकती है, जो 5 मई है अगर ये हालात, क्योंकि 4 से 5 दिन में इसकी अगली कुछ अपडेट आएगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, तो उम्मीद है ये भी आगे जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जी आपको क्या क्या प्रोसीजर है, क्या आप कैसे खोल रहे हो। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलते हैं हम, फ्रंट पेज खुलता है, उसमें हमारी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है और OTP से खुलेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता भरनी होती है जिसमें आखिरी ऑप्शन डिप्लोमा का है। ठीक है, और डिप्लोमा में क्या है कि जी बहुत सारे डिप्लोमा हमारा सिलेक्ट हो गया, अब किस टाइप का डिप्लोमा है उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, और हमने CET में जो डिप्लोमा भरा था उस लिस्ट में वो डिप्लोमा नहीं है, वो डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कुछ नहीं कर सकते, अदर का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो हम देखिए हमारा डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, उस वैकेंसी नहीं है डिप्लोमा की, लेकिन अदर का ऑप्शन होना था क्योंकि आगे जो हम प्लस टू की हैं या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते इसके बिना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, और जल्द ही उम्मीद है इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक रात भरी न्यूज़ कह सकते हैं कि इसको जल्द ही जल्द ठीक कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों ताकि सबको इसका पता चल सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद।